गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं, फिर भी मैं कुछ कुछ आपको बता देती हूँ। चैप्टर फर्स्ट रिलेशनशिप इन अ फैमिली, मतलब कि जो परिवार होता है उसमें हमारा रिश्ता कैसा होता है ना, हमारा जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने स्मॉल फैमिली पढ़ी थी, है ना। हमने ये पढ़ा था कि जिसमें मदर फादर और उनके दो बच्चे होते हैं वो स्मॉल फैमिली होती है, जिसमें 4 मेंबर होते हैं वो स्मॉल फैमिली होती है, या उसे हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। और जिस फैमिली में ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर ब्रदर सिस्टर अंकल आंट कज़िन सब एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? बिग फैमिली कहते हैं। आपने ये हमने जो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो लड़की है कनिका, उसके पापा डॉक्टर है, मामा भी डॉक्टर है, दोनों ही डॉक्टर है और दोनों मेडिकल कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था इसके अंदर कि कनिका के जो अंकल है उनको कोई बच्चा नहीं है, तो उन्होंने एक लड़की को अडॉप्ट किया है, मतलब गोद लिया है, और पेंज मतलब कि अनाथालय से गोद लिया है। उसका नाम क्या है? मोनिका है। ये जो गर्ल है इसका नाम मोनिका है, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हमारे पेरेंट्स को हम पर प्राउड हो, और वो हमें यदि कोई बात समझाए हमें वो एडवाइस दे तो हमें गुस्सा नहीं करना है, उनकी हर बात को मानना है। ये चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, आज मैं इसका बुक वर्क आपको कंप्लीट करवाती हूँ। बुक वर्क बच्चों आपको मेरे साथ आपकी बुक में कंप्लीट करना है और क्वेश्चन आंसर CW कॉपी में लिखना है। अवर फर्स्ट स्कूल इज अवर, अच्छा बताओ हमारा फर्स्ट स्कूल कौन सा होता है? नर्सरी स्कूल प्री प्राइमरी स्कूल या फैमिली? जो फैमिली हो वो हमारा फर्स्ट स्कूल होता है। और फैमिली ऑफ 4 मेंबर इज, देखो जिसमें 4 लोग होते हैं, मम्मी पापा उनके बच्चे मदर फादर एंड देयर चिल्ड्रन, उसे हम कहते हैं स्मॉल फैमिली। व्हेन आवर पेरेंट्स चेक अस वी फील बैड, जब हमारे पेरेंट्स हमको कुछ बोलते हैं तो हमको फील बैड मतलब कि बुरा महसूस करना चाहिए क्या? शुड नॉट, नहीं करना चाहिए। आवर पेरेंट्स आर मोर हैप्पी विथ अस व्हेन वी, हमारे पेरेंट्स हमसे और भी ज़्यादा खुश होंगे तब, स्टडी हार्ड, जब हम बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे मेहनत करेंगे। तो बच्चों ये बुक वर्क आपको कंप्लीट करना है। बोथ ऑफ कनिकास पेरेंट्स आर, जो कनिका के पेरेंट्स हैं दोनों के डॉक्टर है ना, डॉक्टर। मेंबर्स इन अ फैमिली, अब फैमिली में जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? केयर करते हैं, फाइट करते हैं, स्कोल करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, चिल्लाते रहते हैं, केयर, उस पर केयर पे टिक करना, ठीक है। फिफ्थ वाले में डॉक्टर और सिक्स्थ वाले में केयर, फिल इन द ब्लैंक्स। कनिकास पेरेंट्स वेन टू द सेम, जो कनिका के पापा और मम्मी दोनों डॉक्टर है तो वो कहाँ पर पढ़े हैं? सेम मेडिकल कॉलेज में, है ना, मेडिकल कॉलेज। वी मस्ट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ आर पेरेंट्स, हमको हमारे पापा मम्मी के साथ अच्छा रिश्ता रखना है, खुशहाल लाइफ जीनी है। एन अडोप्टेड चाइल्ड हैज ऑर्फेंज पेरेंट्स, जो अडोप्टेड मतलब जिनको गोद लिया जाता है ना, कहाँ से लेते हैं? हम अनाथ आश्रम से लेते हैं। वेन वी डू नॉट लिसन टू अवर पेरेंट्स वी हर्ट देम, जब हमारे मम्मी पापा की नहीं सुनते तो हम उन्हें हर्ट मतलब चोट पहुँचाते हैं, दुखी करते हैं। मोनिका इज अ अडोप्टेड गर्ल चाइल्ड, मोनिका एक गोद ली हुई बच्ची है। अब देखो यहाँ पर इसके पापा इसकी मम्मी की हेल्प कर रहे हैं ना, तो हम इसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग। और यहाँ पे मम्मा है वो बच्चों को समझा रही, मतलब एडवाइजिंग, एडवाइस दे रहे हैं। इसके ये बुक वर्क बच्चों आपको कंप्लीट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन और ये वाला लुक एट द पिक्चर वाला। अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। हु फुलफिल्स आर बैड सॉरी बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स को कौन फुलफिल करता है? ये आपको लिखना है चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशनशिप इन अ फैमिली, वेरी शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हु फुलफिल्स आर बेसिक नीड्स, हमारी जो प्राथमिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति कौन करता है? और फैमिली फुलफिल्स आर बेसिक नीड्स, मतलब कि जो हमारी फैमिली होती है इसका आंसर क्या है? और फैमिली, जो हमारी फैमिली होती है वो हमारे बेसिक नीड्स को पूरी करती है। पूरा क्वेश्चन में आपको सिर्फ आवर बेसिक और फैमिली लिखना है, ठीक है। नेम द टू काइंड्स ऑफ फैमिली,
फैमिली के दो प्रकार होते हैं, कौन सी? एक तो होती है ज्वाइंट फैमिली, दूसरी होती है न्यूक्लियर फैमिली, है ना? तो आपको लिखना है ज्वाइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। शॉर्ट आंसर, हु आर फॉस्टर पेरेंट्स? अब देखो, वेट, कनिकास अंकल एंड आंट आर फॉस्टर पेरेंट्स। कनिका और कनिका के जो अंकल है और आंटी है, उनकी कोई बच्चा नहीं है तो उन्होंने गोद लिया है ना। रिचा फॉरगेट्स टू विश हर मदर ऑन हर बर्थडे। रिचा भूल गई है अपनी मम्मी को उनके बर्थडे पर विश करना। हर मदर डज नॉट से एनीथिंग, बट उसकी मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। बट इज सैड, लेकिन वो दुखी है। व्हाट शुड रिचा डू? रिचा को क्या करना चाहिए? रिचा को अपनी मम्मा को सॉरी बोल देना चाहिए और बोलना चाहिए, मम्मा अब मैं आपका बर्थडे कभी नहीं भूलूंगी। रिचा शुड से सॉरी टू हर मदर एंड से दैट शी ऑलवेज रिमेम्बर योर बर्थडे फ्रॉम नाउ ऑन। अब से मैं हमेशा आपका बर्थडे याद रखूंगी। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर है। अभी क्वेश्चन आंसर वो बचे हैं लॉन्ग आंसर। एज अ चाइल्ड व्हाट डू यू डू मेक योर फैमिली हैप्पी? एक बच्चे होने के नाते आप अपने परिवार कैसे खुश रखोगे? आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, मम्मी पापा का कहना मानना है ना? आई पे अटेंशन इन माई स्टडीज एंड स्टडी हार्ड, आई ओबे माई पेरेंट्स। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, स्टडी हार्ड करनी है, अपने मम्मी पापा का कहना मानना है, तो आपके मम्मी पापा आपसे खुश होंगे। अगर आप उनका कहना ही नहीं मानोगे, आप पढ़ाई नहीं करोगे, तो कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा। वॉट इज आवर फैमिली कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल? वाई इज आवर फैमिली कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल? हमारा जो परिवार है, हमारा पहला स्कूल क्यों कहलाता है? क्यों? क्योंकि हम सारी चीज़ें किन सीखते हैं? हमारे परिवार सीखते हैं। जो चीज़ हम दूसरों से नहीं सीख पाते हैं, वो हमारे परिवार से सीखते हैं। बिकॉज वी लर्न एवरी थिंग फ्रॉम आर फैमिली दैट वी जस्ट डोंट गेट फ्रॉम एनीवेयर। एवरी थिंग मतलब सब कुछ सीखते हैं, किससे? हमारे फैमिली से। वी डोंट गेट फ्रॉम एनीवेयर मतलब दूसरों किससे हमें वो चीज़ नहीं मिल सकती है। बिकॉज वी लर्न एवरी थिंग फ्रॉम आर फैमिली दैट वी जस्ट डोंट गेट फ्रॉम एनीवेयर, दैट वाई आवर फैमिली इज कॉल्ड आवर फर्स्ट स्कूल। इसलिए हमारे जो परिवार है, वो हमारा पहला स्कूल कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमें हमारे परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जो कहीं और सीखने को नहीं मिलती। ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको CW में लिखना है, बाकी जो बुक वर्क है वो आपको बुक में ही रहने देना है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको CW कॉपी में लिखना है। बच्चों, इसके बाद हमने चैप्टर सेकेंड पढ़ा था, एन एक्सटेंडेड फैमिली, है ना? हमने क्या देखा था उसमें, कि वंदना एक लड़की है, उसके घर पे उसकी मम्मा को एक बेबी हुआ है ना, उसकी दादी ने उसका ध्यान रखा है, न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, और उस न्यू बॉर्न बेबी के आने से, उस बच्चे के आने से घर पे सब बहुत खुश हो गए हैं। उसकी मम्मी पापा, वंदना भी अपने छोटे भाई को गोदी में लेती है, खिलाती है। वंदना के घर पे वंदना, उसकी मम्मा, और वो रहते हैं अभी एक नया, उसका छोटा भाई हो गया है तो वो भी उनके साथ रहने लगा है। लेकिन वंदना की जो मम्मी है, उनकी उनका बड़ा परिवार है, उनके भाई बहन, उनके 3 ब्रदर्स हैं और 2 सिस्टर्स हैं वो, और उसकी उनकी दादी दादाजी चाचा चाची सबके साथ उसकी मम्मा रहती थी। और उसकी मम्मा बचपन में गेम खेलती थी, जैसे हम सतोलिया खेलते हैं ना, उस टाइप के गेम खेलती थी, छुपन छाई, हाइड एंड सीख खेलती थी, और जिसे हम कहते हैं पौवी, इसे कहते हैं स्टेपू, ये भी गेम वो खेलते थे। और वंदना के जो अंकल है, वो कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। उनकी अभी अभी शादी हुई है, वंदना और उसके मम्मी पापा, उन्होंने शादी में बहुत इंजॉय किया और अच्छा अच्छा खाना खाया, सबसे मिले। और वंदना और उसकी फैमिली उसके घर पर रहती है, और चाचा चाची मुंबई में रहते हैं। वंदना गर्मी की छुट्टियों में उनसे मिलने जाती है, उनके कजिन भाइयों से और चाचा चाची मतलब अंकल आंटी से। और वंदना उनसे टच रहने के लिए, उनसे बातें करने के लिए क्या करती है? उनके बर्थडे पर लेटर्स लिखती है, ग्रीटिंग कार्ड देती है, ईमेल भेजती है। और जो फैमिली है, वो एक दूसरे को करीब लाती है। जो फेस्टिवल होते हैं, उन फेस्टिवल पर वो मिलते हैं। ये हमने पहले पढ़ चुका है, अब हम इसका बुक वर्क करेंगे। मीट और रिलेटिव ड्यूरिंग, हम अपने रिश्तेदार से कब मिलते हैं बच्चों? एग्जामिनेशन में, फेस्टिवल में, या प्ले टाइम में? कब मिलते हैं? परीक्षा देने जाते तब मिलते हैं, या त्योहारों पर मिलते हैं, या खेलने के टाइम पर? फेस्टिवल पर, है ना? तो फेस्टिवल पर हम टिक करेंगे। वी कीप इन टच विथ आर फैमिली थ्रू, हम अपने परिवार से टच में कैसे रह सकते हैं? टेलीफोन द्वारा बात कर कर, या टेलीविजन, टीवी देख कर, या न्यूज़पेपर पढ़कर?
टेलीविजन नहीं, न्यूज़पेपर नहीं, टेलीफोन, हम फोन पे बात कर कर। अ फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडपेरेंट्स, अंकल, आंट, कजिन। देखो जिस फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब होते हैं, तो वो कैसी फैमिली होती है? जॉइंट फैमिली। कौन सी? जॉइंट फैमिली। तो आप किस पे टिक लगाओगे? जॉइंट फैमिली पर, है ना? किस पे टिक लगाओगे बच्चों? जॉइंट फैमिली पर आपको टिक करना है, और इसमें टेलीफोन पर, और उसमें फेस्टिवल पर। ये बुक वर्क आपको करना है। अ न्यूक्लियर फैमिली, जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो कैसी फैमिली होती है? स्मॉल फैमिली, जिसमें मदर, फादर और उनके दो बच्चे होते हैं। सर्कल द ऑड एंड वन इन ईच ग्रुप, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखो ये स्टेपू, ये तो गेम है। लंगड़ी टैंग ये भी गेम है, बट बर्थडे कोई गेम नहीं है। सेवन टाइल्स मतलब सतोलिया भी गेम है। तो हम बर्थडे पे सर्कल करेंगे। फादर मतलब पापा, मदर मतलब मम्मी, ब्रदर मतलब भाई, टीचर, टीचर अलग हो गया, टीचर तो एक शिक्षक हो गए ना, तो हम इस पर सर्कल करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। जो स्मॉल फैमिली होती है वो क्या कहलाती है? न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। वी सेंड ग्रीटिंग कार्ड टू अवर रिलेटिव्स ऑन देयर बर्थडे। रमेश इज वन्नास अंकल, हिज चिल्ड्रन आर वन्नास कजिन। फैमिली गेट टूगेदर ब्रिंग्स फैमिली मेम्बर्स क्लोजर। फेस्टिवल ब्रिंग्स फैमिली मेम्बर्स टूगेदर। जो त्यौहार होते हैं वो रिश्तेदारों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। बच्चों ये आपको फिल इन द ब्लैंक भी अपनी बुक मार्क कंप्लीट करना है ना, लिखना है। लुक एट द पिक्चर एंड नेम द ओकेशंस। अब देखो आपको पिक्चर देखकर पता चल जाएगा कि शादी हो रही है, मतलब वेडिंग, ये मेहंदी की रस्म हो रही है, मेहंदी सेरेमनी, और ये बच्चा हुआ है तो न्यू बॉर्न बेबी। ये भी आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है, ठीक है। ये भी आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। नेम एंड ओकेशन ऑन विच वी मीट आर रिलेटिव्स। आपको उन ओकेशन के नाम लिखने हैं जब हम हमारे रिलेटिव से मिलते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। ये रहे हमारे क्वेश्चन आंसर, क्लास फोर चैप्टर सेकेंड एंड एक्सटेंडेड फैमिली। बेटा ये क्वेश्चन आंसर आपको CW कॉपी में लिखना है ना, जो US की CW आपने बनाई है ना उसके अंदर लिखना है। नेम एंड ओकेशन ऑन विच वी मीट आर रिलेटिव्स। जब हम अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, कौन से? तो एक तो फेस्टिवल मतलब त्योहारों पे मिलते हैं, वेडिंग मतलब शादियों में मिलते हैं। दो चीज़ों के आपको नाम, दो समारोह के नाम आपको लिखने हैं जब आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं। नेम टू फेस्टिवल यू लाइक टू सेलिब्रेट द मोस्ट। आपको जो त्यौहार ज़्यादा पसंद है उनके नाम आपको लिखना है। जैसे कि मुझे होली पसंद है और दीपावली, होली और दिवाली, तो मैंने दो के नाम लिखे हैं। आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं, और ना चाहें तो होली और दिवाली लिख सकते हैं। अब शॉर्ट आंसर, व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, है ना? जॉइंट फैमिली क्या है? व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली? अब जॉइंट फैमिली क्या होती है? जिसमें ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर मतलब दादाजी दादी, अंकल आंट मतलब चाचा चाची, मदर फादर मतलब मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर भाई बहन, कजिन मतलब अंकल आंटी के बच्चे, सब एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, मतलब एक ही घर में रहते हैं। बड़ी फैमिली हो गई जॉइंट फैमिली। अब उसका आंसर बताती हूँ मैं। अ जॉइंट फैमिली इज अ लार्ज फैमिली वेयर द ग्रैंड पेरेंट्स, फादर, मदर, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रन लिव अनाइटली अंडर ऑन रूफ। मतलब वो एक ही छत के नीचे रहते हैं। कौन? मदर, फादर, ग्रैंड फादर, अंकल, आंट, चिल्ड्रन। तो क्या कहलाती है? जॉइंट फैमिली कहलाती है, ठीक है। नेम एनी फोर गेम्स यू लाइक टू प्ले और रिलेटिव्स। आप को जो गेम अपने रिलेटिव्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ खेलना पसंद है उनके नाम आपको लिखना है। चार तो स्टेप, मतलब कि पौवी जिसे हम बोलते हैं, हाइड एंड सीक मतलब छुपनचाई, सेवन टाइल्स मतलब सतोलिया, और क्रिकेट तो आप समझते ही है ना। आप इनके अलावा भी अगर कोई दूसरा गेम अपने फैमिली के साथ खेलते हो ना, तो आप वो लिख सकते हो। अब लॉन्ग आंसर, हाउ डू वी रिमेन इन टच विथ आर रिलेटिव्स। हम हमारे रिश्तेदारों के साथ टच में कैसे रह सकते हैं? कैसे रह सकते हैं? हम उन्हें लेटर लिख सकते हैं, हम उन्हें ईमेल भेज सकते हैं, है ना, जिससे हमारी बात उनसे होती रहे। वी रिमेन इन टच विथ आर रिलेटिव्स बाय राइटिंग लेटर्स टू देम एंड सेंडिंग देम ईमेल। हम उन्हें ईमेल भी भेज सकते हैं और लेटर भी लिख सकते हैं। हाउ कैन वी स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन आर रिलेटिव्स एंड अस। अच्छा, हम अपने परिवार वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जो हमारा रिश्ता है ना, उसे कैसे मजबूत कर सकते हैं?
फैमिली गेट टुगेदर ब्रिंग्स फैमिली मेम्बर्स क्लोजर टू वन अनदर दे स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन आर रिलेटिव्स एंड अस. देखो हम फैमिली है ना, एक दूसरे से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, तो हमारा जो रिश्ता है वो क्या होगा, मजबूत होगा. अब बच्चों मैंने चैप्टर फर्स्ट का बुक वर्क करवाया है, चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर, चैप्टर सेकंड का बुक वर्क करवाया है, चैप्टर सेकंड के क्वेश्चन आंसर. चैप्टर में पहले ही समझा चुकी हूँ, आज मैंने आपको क्वेश्चन आंसर बुक वर्क करवाया है. बुक वर्क आपको बुक में करना है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको ईवीएस की सीडब्ल्यू में करना है, ठीक है.